दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं अडानी पावर के बारे में। अडानी पावर के अंदर आज की ट्रेडिंग सेशन के दौरान आपको मार्केट क्लोज होने तक एकदम से यहां पर जंप देखने को मिले। इस बड़ी तेजी के पीछे की वजह क्या है, साथ ही साथ क्या अडानी पावर के अंदर सोमवार के दिन अब आपको अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां पर अडानी पावर और अडानी ग्रुप की तरफ से जो न्यूज निकल कर आई है वो बिल्कुल यहां पर अडानी पावर के फेवर में जाती हुई देखने को मिल रही है। तो यदि आपने अडानी पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अडानी पावर के आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो अडानी पावर का शेयर आज 104.10 रुपये पर ओपन होता है और आपको फर्स्ट सेशन में किसी प्रकार की तेजी यहां पर नहीं देखने को मिलती है, लेकिन मार्केट क्लोज होने तक इसके अंदर एक बड़ी तेजी देखने को मिलती है। और इन्हीं सब के साथ अगर आप अडानी पावर की आज की ऑर्डर बुक भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छी बाइंग क्वांटिटी आपको यहां पर देखने को मिल रही है। तो इस तेजी के पीछे और इतनी बड़ी खरीदारी के पीछे क्या वजह निकल कर आ रही है, आइए उसे जान लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने एक न्यूज़ ओपन कर रखी है जिसमें अडानी कंपनी प्लान्स टू रेस $300 मिलियन बाय सस्टेनेबल बॉन्ड्स। यानी कि अगर कंप्लीट न्यूज़ कवर करें तो अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई द फ्लैगशिप पावर यूटिलिटी इन द गौतम अडानी एम्पायर इज सेड टू रेज अबाउट $300 मिलियन थ्रू द ग्रुप्स फर्स्ट सस्टेनेबल बॉन्ड सेल्स ओवरसीज। तो यहां पर कंपनी $300 मिलियन की फंड रेजिंग करने जा रही है जिसका बेनिफिट अडानी ग्रुप्स के अंदर देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ अडानी पावर के अंदर जब से ये न्यूज़ निकल कर आई है तब से इसके बाद आपको यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। वाइल अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसीड्स विल बी यूज टू रीफाइनेंस एन एग्जिस्टिंग ऑफशोर लोन थ्रू बॉन्ड्स, द रेस्ट विल बी यूज टू फंड प्रोजेक्ट्स। The bonds are expected to offer rates in the range of 3.25 and 3.7% with 10-year maturity. तो यहाँ पर कंपनी जो ये $300 मिलियन से फंड रेजिंग करने जा रही है बॉन्ड के थ्रू, उसकी जो मेच्योरिटी डेट रहेगी, मेच्योरिटी जो उसका पीरियड रहेगा वो यहाँ पर आने वाले 10 साल के लिए हमें देखने को मिल सकता है। द बॉन्ड्स आर मार्क्ड एज सस्टेनेबल एंड क्वालिफाई फॉर द ग्लोबल ESG, यानी कि एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस कैश पूल। तो यहाँ पर ये हमें एक बड़ी अपडेट्स आते हुए देखने को मिल रही है जिससे यहाँ पर अडानी पावर के अंदर कुछ बड़ी रैली आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अब जो अडानी पावर के मोमेंटम भी बन रहे हैं वो काफ़ी बुलिश के बन रहे हैं। यानी कि अगर आपने अडानी पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है इस शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की, क्योंकि यहाँ से अगर इसके वीकली मोमेंटम को आप देखेंगे, वीकली टेक्निकल रेटिंग को अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी बुलिश यहाँ से निकल कर आ रही है, जिसमें वो मूविंग एवरेजेस बुलिश, टेक्निकल इंडिकेटर्स न्यूट्रल और मूविंग एवरेजेस क्रॉसवर्स बुलिश यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। अडानी पावर के अगर आप पिवोट लेवल्स को भी देखेंगे तो यहाँ पर जो अब 3 रेजिस्टेंस यहाँ पर सोमवार के दिन अडानी पावर के लिए खास रहने वाले हैं, जिसमें पहला रेजिस्टेंस ₹113.37 का, दूसरा रेजिस्टेंस ₹117.18 का और तीसरा रेजिस्टेंस ₹122.27 का आपको लेकर चलना है। लेकिन जैसा कि आपको बताए शनिवार और रविवार यहाँ पर ऑफ डे, अगर अडानी ग्रुप से रिलेटेड अडानी पावर से रिलेटेड कुछ बड़ी न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ जाती है जो यहाँ पर अनफेवर में रहती है तो वो यहां पर आपको अडानी पावर के शेयर्स के अंदर फॉलिंग भी देखने को मिल सकती है। इसलिए सोमवार के दिन के जो यहां पर सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहे हैं, जिसमें पहला सपोर्ट ₹104.47 का, दूसरा सपोर्ट ₹99.38 का और तीसरा सपोर्ट ₹95.57 का निकल कर आ रहा है, तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए आप अडानी पावर के अंदर सोमवार के दिन खरीदी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अडानी पावर के शेयर्स को भी ASM लिस्ट के अंदर शामिल कर रखा है, तो अभी इस शेयर के ऊपर भी SEBI की तरफ से मॉनिटरिंग करी जा रही है। जैसा कि आपको बताया जून के मंथ में ही हमें अडानी ग्रुप से रिलेटेड कुछ यहां पर बड़ी खबरें आते हुए देखने को मिली थी, जिसके कारण अडानी पावर या फिर अडानी पोर्ट या फिर अडानी ग्रुप की बाकी की 4 लिस्टेड कंपनियाँ सभी के अंदर हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, जिसके बाद से अडानी ग्रुप्स के अंदर अब आपको अगर खरीदारी करनी है तो थोड़ा सा अलर्ट होकर करनी है। जिसमें अगर हम अडानी पावर के कम्युनिटी सेंटीमेंट्स की बात करें तो अडानी पावर के जो कम्युनिटी सेंटीमेंट्स है वो बिल्कुल भी यहां पर फेवर में आते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। यानी कि 70% यहां पर अडानी पावर के अंदर बाय की कॉल निकल कर आ रही है,
और अगर अडानी पावर के अगर हम यहाँ पर फाइनेंशियल नंबर्स की तरफ भी नज़र मारें तो यहाँ पर कंपनी के जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ है वो भी काफ़ी शानदार हमें देखने को मिल रही है। अडानी पावर ने 2017 में 22,615 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि 2021 में बढ़कर 26,221 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। यानी कि रेवेन्यू के अंदर भी कंटिन्यूसली हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अडानी पावर के Q1 के रिजल्ट की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। जैसे ही हमें Q1 के रिजल्ट की डेट यहाँ पर आती हुई देखने को मिलेगी तब भी आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि पावर सेक्टर के शेयर्स के अंदर Q1 के नंबर्स बहुत शानदार आने की उम्मीदें हैं। अगर हम यहां पर एक्सपर्ट्स की माने तो टाटा पावर और अडानी पावर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है Q1 के नंबर्स में, जिसको देखते हुए यहां पर यानी कि आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अडानी पावर के नेट प्रॉफिट के अंदर जो जंप देखने को मिली है वैसी ही जंप आपको 2022 में भी अडानी पावर के नेट प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल सकती है। तो यदि आपने अडानी पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रख सकते हैं, और अगर आपने अपर लेवल से एंट्री ले रखी है तो यहाँ पर आप अपने एवरेज को बेटर कर सकते हैं। अडानी पावर के अगर प्लेज रेशियो भी देखेंगे आप तो यहाँ पर प्रोमोटर्स का स्टेक्स तो आपको मैक्सिमम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि एज पर रूल्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रोमोटर 75% होल्डिंग्स यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, जिसमें अगर अडानी पावर के प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग्स पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो वो भी हमें 74.97% यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर अडानी पावर का प्रोमोटर्स प्लेज रेशियो देखेंगे तो वो आपको जो मार्च 2020 में 32.46 यानी कि 32.46 देखने को मिल रहा था, अब वो भी हमें यहाँ पर डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि अडानी पावर की अब यहाँ पर सारी चीज़ें हमें फेवर में जाते हुए देखने को मिल रही है। कुछ बड़े यहाँ पर कंपनी के हमें यहाँ पर एक्विजिशंस और साथ ही साथ कुछ बड़ी डील्स भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ पर अडानी पावर के लिए बिल्कुल फेवर में जाती हुई देखने को मिल रही है। तो यदि आपने अडानी पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप यहाँ पर अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अडानी पावर से रिलेटेड और भी छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आपको शेयर मार्केट ओपन होने के पहले प्राइस एक्शन स्टॉक्स भी बताए जाते हैं, जिनका बेनिफिट उठाकर आप काफी अच्छा रिटर्न्स इंट्राडे सेशन में अर्न कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।